दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते केस और मौतों के आंकड़े ने हमको हैरान करके रख दिया है। देश भर में जिस तरीके से शमशानों में लोगों को जगह नहीं मिल रही है, पनाह नहीं मिल रही है, अस्पतालों में ना तो रेमडेसिविर इंजेक्शंस हैं, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और ना ही ICU बेड खाली है। ऐसे में ये स्थिति बड़ी ही भयावह और विकट होती जा रही है। दिन पर दिन हम पेपर में, हेडलाइंस में, न्यूज़ चैनल्स में लगातार इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक नई बीमारी पैदा हो गई है और इस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस। जी हाँ, अभी कोरोना की चपेट में आए लोग अपने आप को संभाल भी नहीं पाए कि अब ब्लैक फंगस ने उनकी ज़िंदगी में दस्तक दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक फंगस आखिर बला क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक फंगस कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक फंगस के सिम्टम्स भी अलग हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैरान परेशान हैं कि ये फंगस कितना ज़्यादा भयावर है और कितना ज़्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस को लेके आए दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि देश में COVID-19 के जो मरीज़ हैं उनमें ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, मास्क में नमी हो जाती है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं अगर वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SS लाल, जो आज यूनिवार्ता से बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नामक इस रोग पर होने के पीछे लंबी अवधि का इस्तेमाल किया हुआ मास्क हो सकता है। जैसे कि आपने बहुत समय से अगर मास्क धोया ना हो, साफ ना किया हो और आप उसी मास्क का लगातार इस्तेमाल कर रहे हो, तो इससे आपको ब्लैक फंगस होने की चांसेस है। मास्क पर जमा होने वाली गंदगी के जो कण होते हैं उससे आंखों में जो फंगस हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है उसकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में नेत्र में यानी आपकी आंखों में यानी आपकी आईज में लाल होना, डिस्चार्ज होना यानी लिक्विड डिस्चार्ज होना, कुछ वाइट पदार्थ निकलना, कॉन्जिक्यूटिस के लक्षण इस रोग से उभरते हैं। नेत्रों में भयंकर पीड़ा होती है यानी बहुत दर्द होता है, आपको बहुत पेन होगा। भयंकर पीड़ा होने के साथ साथ विजन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है यानी आप देखने की क्षमता को खो देते हैं, आपको ब्लर दिखने लगता है, आपको अच्छे से साफ दिखाई नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के इलाज के समुचित इंतजाम किए गए हैं, इलाज समय पर होने से इस रोग से बचा जा सकता है। लेकिन ब्लैक फंगस के 4 मरीजों की मौत आपको बता दें अभी तक लखनऊ में हो चुकी है। वहीं BRD मेडिकल कॉलेज में भी एक महिला की मौत हो चुकी है, उन्हें भी ब्लैक फंगस के ही लक्षण थे और एन्फोटेरिसिन बी की एक डोज भी दी गई थी लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका, उनकी जान बिल्कुल भी नहीं बचाई जा सकी। BRD मेडिकल कॉलेज के प्रभारी हैं डॉक्टर पवन प्रधान, उनका कहना है कि पोस्ट कोविड OPDT शुरू हो चुकी है। पहले दिन ब्लैक फंगस की शिकायत लेकर 2 मरीज आए थे उनके पास, उनके सैंपल्स लिए गए, उनको जो है टेस्टिंग के लिए भेजा गया। अगर ब्लैक फंगस के लक्षण मिलते हैं तो प्रशासन से दवा की मांग वो करेंगे। चलिए, ये तो हो गया ब्लैक फंगस। अब ब्लैक फंगस में काम आने वाली ब्रांडेड कंपनियों की एंटी फंगल दवाएं बाजार से लगभग खत्म हो चुकी हैं। जी हाँ, उनका स्टॉक बिल्कुल भी नहीं बचा है। वहीं 5 एजेंसियों पर ये दवाएं आती हैं, पिछले 5 दिन से इनकी आपूर्ति बाधित है। और व्यापारियों की बात करें तो लखनऊ में ये दवाएं रोक दी गई हैं। लगभग 2000 वायरल के ऑर्डर भेजे गए हैं लेकिन आपूर्ति नहीं हो पा रही है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में कोई भी दवा आना जाना बहुत मुश्किल हो रही है। मरीजों को वैकल्पिक दवाओं से काम चलाना पड़ सकता है। वे दवाएं भी केवल 3 एजेंसियों पर लगभग 40 वायल ही बची हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि जितना हो सके अपने आप को साफ रखिए, सुरक्षित रखिए, अपने हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि इस समय हाइजीन का बहुत ध्यान रखना ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके मास्क में ज़रा भी गंदगी है तो उस गंदगी से खुद को बचाने की कोशिश करिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइज़र का पूरा इस्तेमाल करें। नमस्कार।